गोरखपुर महोत्सव के तहत नाथ पंत एवं लोक सरोकार विषयक संगोष्ठी और वेबिनार का आयोजन सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन के सभागार में किया गया। संगोष्ठी में प्रोफेसर रामदेव शुक्ला, प्रोफेसर राजवंत राव, प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक, डॉक्टर अजय शुक्ला सहित अन्य शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस दौरान वर्चुअल प्रोफेसर कन्हैया सिंह, प्रोफेसर संतोष शुक्ला भी जुड़े रहे। संगोष्ठी में नाथ पंथ एवं लोक सरोकार विषय पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 9वीं और 10वीं शताब्दी में नाथ पंथ, जिसका प्रवर्तन योगी मत्स्येंद्र नाथ और महायोगी गुरु गोरक्षनाथ ने किया था। उन्होंने कहा कि मध्यकालीन समय में कई पंथों की उत्पत्ति हुई थी, सभी का एक ही उद्देश्य था, मानव कल्याण, जिसके तहत नाथ पंथ ने भी लोगों की भावनाओं को समझते हुए उस पर कार्य किया और देश को नई दिशा में ले जाने का कार्य किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर अजय कुमार शुक्ला ने कहा, डॉक्टर कन्हैया सिंह जी जो मुख्य वक्ता के रूप में हैं, आपकी सक्रिय भूमिका रहती है। ऑनलाइन मोड से आप कार्य करते हैं, आपको सभी को बताना चाहते हैं जगहों पर भी आपने कई नवाचार किए हैं, तो आपको लगेगा कि संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी में मुझे बहुत उसके बारे में इंटरेस्ट आने लगा है। मैं भी साहित्य का व्यक्ति हूँ, अंग्रेजी साहित्य का हूँ, और जब उस दर्शन के बारे में पढ़ने लगा तो मुझे लगा कि क्यों ना इसके बारे में और भी कई चीजें जानी जाए। बहुत ज्यादा रिसर्च इसके बारे में हो चुका है और हो भी रहा है, तो मैं लगातार उसमें प्रोफेसर रामदेव शुक्ल जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, आपने इस क्षेत्र में प्रोफेसर रजवंत राव जी ने आपने इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया है, आपसे भी परामर्श लूंगा कि इसमें कैसे बेहतर चीजें होंगी और साधना और योग की जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से आगे बढ़ाई जाए और हम गोरखपुर क्षेत्र में किस तरीके से इसके बारे में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इस चीज को हम स्थापित कर चुके हैं, जो कि पहले से स्थापित हो चुकी है। आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर संस्कृति पुरुष और ग्रामों के, अगर आप चाहें प्रत्येक धर्म और जीवन अपने समय के मनुष्यों की समस्याओं को हल करने के लिए, निस्तारण करने के लिए जन्म लेता है। इसी संदर्भ में 9वीं-10वीं शताब्दी में नाथ पंथ, जिसका प्रवर्तन योगी मत्स्येंद्रनाथ एवं महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने किया, वो पूर्व मध्यकालीन मनुष्यों की समस्याओं, उनके समक्ष उपस्थित प्रश्नों, चुनौतियों का प्रति उत्तर देने के लिए, जवाब देने के लिए नाथ पंथ का प्रवर्तन किया है। भारत भूमि है, वह उस चिन्मय महासमुद्र की भांति है जिनमें लहरों की मानिंद असंख्य धर्म, पंथ, विचार सरणियां उठते गिरते रहते, सभी अपने आप में विशिष्ट हैं, कोई एक किसी एक को हम विशिष्ट नहीं कर सकते, और सभी से भारतीय संस्कृति का कलेवर निर्मित होता है। गोरखपुर महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर एक नाथ दर्शन के ऊपर, जिसका विषय है नाथ पंथ एवं लोक सरोकार, इस विषय के ऊपर आज एक सेमिनार एवं वेबिनार का आयोजन हो रहा है। यह सेमिनार एक हाइब्रिड मोड में है, जिसमें हमारे कुछ वक्ता ऑफलाइन हैं और कुछ ऑनलाइन मोड से जुड़े हुए हैं। इस सेमिनार का उद्देश्य महोत्सव में ये है कि महोत्सव में हम जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके साथ कुछ एकेडमिक भी करें, और इससे जो चीज़ निकल करके आए उसको हम समाज में किस तरीके से स्प्रेड करें, ये इस सेमिनार का उद्देश्य है। इस सेमिनार में अध्यक्षीय उद्बोधन प्रोफेसर रामदेव शुक्ल जी का है, साथ ही साथ हमारे विशिष्ट वक्ता के रूप में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से प्रोफेसर संतोष शुक्ल जुड़े हुए हैं, हमारे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजवंत राव जी और प्रोफेसर मुरली मोहन पाठक जी हैं, और वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर कन्हैया सिंह आज के हमारे मुख्य वक्ता के रूप में हैं। ये कार्यक्रम विशेष तौर पर राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भी रखा गया है, क्योंकि आज विवेकानंद की जन्म शताब्दी भी है, तो उस मौके पर भी है, राष्ट्रीय युवा दिवस के लिए है, और इसका मुख्य फोकस नाथ दर्शन है।
नाथ पंथ का कितना महत्व है? नाथ पंथ के बारे में जो मैंने पढ़ा, जो मैंने जाना कि और जो टॉपिक रखा गया है कि सोशल कंसर्न्स उसकी कितनी थी, जो लोक सरोकार की बात है और समाज के लिए क्या किया, चाहे वो जादू टोने को लेकर के बात हुई कि किस तरीके से उन्होंने उसमें उसको दूर करने की कोशिश की, या छुआछूत की बात हो, ऐसे बहुत चीज़ें हैं, या योगा के बारे में बात हो या साधना के बारे में है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज इस सेमिनार में होगा और मुझे लगता है समाज के लिए ये काफ़ी उपयोगी सेमिनार होगा जैसा हमारा नाथ दर्शन है।